मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है, आप समझते हैं कि ये चोरों की और बददियानत लोगों की पार्टी है? देखिए, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में अच्छे बुरे बुरे लोग होते हैं। मेरा मियां नवाज शरीफ साहब से पॉलिटिकल इख्तलाफ है, और वो बददियानत नहीं है। नहीं, वो देखिए उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि जो उन्होंने आउट ऑफ द वे पैसे बनाए, उन्होंने बार मोहल्लात बनाए, तो वो चीज़ें हैं। आप 2002 से उनके साथी हैं, आपके सामने ऐसी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि वो नवाज शरीफ जिसके टिकट पे आपने 2002 में भी कौमी असम्बली गए और 2018 में भी पहली दफ़ा 2002 में सियासत में एंट्री आपकी उनके टिकट पे? 2002 में तो मैं दिल से गया, दिल से गए, और बिल्कुल मैं उस वक्त 2018 में मजबूरी में गए। उस वक्त मुझे खालिद मकबूल साहब गवर्नर पंजाब थे, मुझे सीनियर मिनिस्टर पंजाब की ऑफर की गई, शरफ खुशी व तशरीफ लाए मुझे मनाने के लिए या समझाने के लिए। मियाँ अजहर साहब मेरे पास तशरीफ लाए और कहने लगे हम आपको सीनियर मिनिस्टर की गारंटी देते हैं, परवेज लाई साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना है और सीनियर मिनिस्टर पंजाब का मियाँ जेल अमल होगा, नवाज शरीफ तो भाग गया यहाँ छोड़ के। मैंने कहा जी मेरा वोट एक है या मेरे वोट 10 है, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ राइट पे है, उसके साथ ज्यादती हुई है। मियाँ साहब मैं उसके साथ जाऊँगा, आपकी मुझे इज्जत है, लेकिन मैं परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं जा सकता। उस वक्त आप समझते थे कि नवाज शरीफ ईमानदार और उसके पाकिस्तान के लिए मुफीद है? हाँ। और गलतियां अगर देखें ना, अगर गलतियां किसी में हैं लेकिन वो निस्बतन मुफीद है तो हम कहेंगे यार मुल्क के लिए मुफीद है, ठीक है छोटी मोटी। तो किस वक्त आपको एहसास हुआ कि नवाज शरीफ करप्ट आदमी है? नहीं, मेरा इख्तलाफ हुआ जब नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को खानदानी पार्टी बना लिया, और मैं समझता था कि मियाँ साहब पार्टी को पार्टी बनाएंगे, तमीज़ नहीं होगी कि कौन उनकी फैमिली का है और कौन उनकी फैमिली का नहीं है। ये कब पता चला आपको? ये मुझे उस वक्त पता चला कि जब उन्होंने इंग्लैंड में बेनज़ीर साहब के साथ एग्रीमेंट किए, मुक मकाओ का एग्रीमेंट कर लिया। और आप मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जिसे मिसाक जमहूरियत आप इसे मुक मकाओ कहते हैं? मैं उसे मुक मकाओ कहता हूँ कि भाई ठीक है तुम्हारी चोरी हम नहीं पूछते, हमारी चोरी तुम ना पूछ, वो असल में तो ये था, ठीक है ना। तो मैंने फिर थोड़ा सा किनारा कर लिया, और जब किनारा किया तो खान साहब के साथ मुझे पॉजिटिव फीलिंग्स पहले ही थी, और कई दोस्त मुझे समझाते रहते थे, लेकिन फिर मैंने चॉइस किया कि यार खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। खुल के आपने इमरान खान को कब सपोर्ट करना शुरू किया? 2012 से 12 में, 12 में आपने ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान तरीके साहब खान साहब के साथ, मैंने ज्वाइन किया, प्रॉपर ज्वाइन किया। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने ये कहा था, मैंने चूँकि उससे पहले मैं MLA रह चुका था, जिला नाज में रह चुका था, लेकिन मेरा था कि मैं खुद एक्टिव सियासत में ना आऊँ लेकिन मैं सपोर्ट करूँ। मैं पूरे ज़िले में कर सकता था काम उनके लिए, पूरे पाकिस्तान में कर सकता हूँ। हज़रत शेर रवानी के सदके लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको समझाया जा सकता है मैसेज। लेकिन मुझे वो शाहमूद कराची साहब ने, उस वक्त जवेद हाशमी साहब थे, उन्होंने नहीं नहीं आप इलेक्शन लड़ें, हमारे पास उधर बंदा नहीं है, आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें। तो मैं फिर उनके कहने पर तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर जब इलेक्शन का दिन आए तो एक ऐसे बंदे को टिकट दे दिया जो बिल्कुल एक्टिव नहीं था। ये कितनी मरतबा हुआ आपके साथ? दो दफ़ा पहले हुआ। हाँ, और दोनों दफ़ा मैं मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया उम्मीदवार, पर ऐन मौके पे प्रॉब्लम भी आती है ना।